सभी को प्रणाम। गायत्री किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही बहुत ही टेस्टी और झटपट बनाने वाला आम रस, वो भी पराठे के साथ। सबसे पहले मैंने दो ये पके आम लिए हैं और इस तरीके से ऊपर का मैं कट कर लेती हूँ दोनों साइड से इस तरीके से, और चम्मच से इस तरीके से इसका गूदा निकाल लेते हैं। इस तरीके से मैंने गूदा निकाल लिया आम के। इस तरीके से मैंने दोनों आम के पल्प निकाल लिए हैं, ये देखिए। अब इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप चाहें तो पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और ये मैंने केसर दूध में भिगो के रखा था 2-3, और ये दरदरी 1/2 चम्मच इलायची है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस तरीके से अब इसको मिक्सी जार में ऐड कर लेते हैं। और 1/3 कप दूध मैंने इसमें डाला है और अच्छे से मिलाकर इसको इस तरीके से मैंने ये पेस्ट बना लिया, ये देखिए। आम मैंने इसी बाउल में आम रस निकाल लिया है, ये देखिए। सर्व के लिए मैंने इस तरीके से 2 बाउल में आम रस निकाल लिया है, ये देखिए। आम रस का कलर बहुत ही प्यारा आया है। इसके साथ मैंने पराठे रखे हैं, आप चाहे तो पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगेगा। आम का सीजन है, आप इसे बना सकते हैं, और इलायची फ्लेवर भी है, बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरीके से आम रस आप भी बनाइए, आम का मौसम आ गया है, फटाफट इस तरीके से आम रस बनाइए। इस तरीके से न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।